दोनों का भाव बात हरा लीची के हो। वेलकम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं फलों का राजा आम होता है, तो फलों की रानी लीची होती है। लेकिन बहुत से लोगों ने लीची का बगीचा नहीं देखा होगा। इस वीडियो हम लीची का बगीचा दिखाएंगे और लीची के अच्छे फलों की पहचान भी कराएंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। हम आ गए हैं अभी जंगल के बाहर। आप जो खेत देख रहे हैं और जो लीची का बगीचा दिखाऊंगा, यह एशिया के सबसे बड़ी और भारत की सबसे पहली जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अंडर में है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे हुई थी। दोस्तों, मैं आ गया हूँ लीची के बाग में। आप देख सकते हैं इस पर दवा का छिड़काव किया गया है, इसलिए मैं लीची खाकर नहीं दिखाने वाला हूँ। लेकिन फल को पक्षियों से, जैसे तोता चमगादड़ से कैसे बचाते हैं, ये जरूर दिखाऊंगा। यहाँ लीची का ऑर्डर देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलोर से आता है और देश विदेश में इसे जूस फैक्ट्रियों के लिए भेज दिया जाता है। लीची का केवल फल ही नहीं खाया जाता, इसका स्क्वैश सिरप, लीची का जूस आदि भी बनाया जाता है। मैं यहाँ कुछ समय पहले आया था। फूल झड़ने के बाद लीची का फल आ चुका है। अब कुछ दिन बाद यह पक कर लाल हो जाएगी। अब दिखाते हैं लीची की रखवाली कैसे करते हैं। लोहे का छड़ जो इनके हाथ में देख रहे हैं, यह इनका मुख्य औजार है। इसमें थोड़ा सा बारूद डालकर बगीचे के बीच में जाकर इसे दाग देते हैं। इसकी आवाज़ इतनी भयानक होती है कि बगीचे में ही नहीं, बगीचे के बाहर आसपास बैठे पक्षी भी भाग जाते हैं। पक्षियों की रखवाली दो समय, दिन और रात दोनों करनी पड़ती है। दिन में तोता और अन्य चिड़िया से बचाते हैं और रात में चमगादड़ से बचाना पड़ता है। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से लीची की नीलामी में समय लग गया और लीची की देखभाल, जैसे पेड़ में पानी डालना, दवा डालना, अन्य काम सही समय पे नहीं हो पाया। इस कारण से पेड़ में फल अच्छे नहीं आ पाए। इस पेड़ की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, उसके फल में कीड़े लग जाते हैं। ये कीड़े लीची के ऊपरी हिस्से में छिपे होते हैं। बाजार में उपलब्ध लीची बहुत ही आकर्षक होती है, इसलिए इसे खरीदने से पहले अच्छी तरह जरूर चेक करें। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर दिखाएं।